जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में अगर आप तैयारी में हैं तो 15 क्वेश्चन जो हैं यूपी ट्रिपल एससी हर एक एग्जाम्स में कंप्यूटर के पूछ रही है, तो मैंने वही सारे क्वेश्चन एक जगह से एनालिसिस करके जो बार बार पूछे गए हैं उनको टाइप कर लिया है। और इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि पूछे गए हैं, ठीक। वो किसी न किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको चाहे वीपीओ की तैयारी करना है या जूनियर असिस्टेंट 5512 की तैयारी में है, आप किसी की भी तैयारी में है तो आपसे 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का जरूर पूछे जाएंगे। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने 50 तक करा दिया था, तो इस वीडियो में हम आपको 51 से लेकर के 100 तक तो क्वेश्चन बताने वाले हैं विथ आंसर और विथ चारों ऑप्शंस को डिस्क्रिप्टिव बता करके, ठीक। तो जैसे कि आपको पहला नंबर क्वेश्चन है 51, कह रहा है कि लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस का प्रयोग नहीं किया जाता है, किस मद का प्रयोग यानी किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बोले तो इसको इक्विपमेंट भी बोल सकते हो इंग्लिश में। तो इसमें जो है आपको मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्क पकड़ाने मतलब जो है कंप्यूटर को जोड़ करके चलाया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र में जैसे बैंक वगैरह हैं, ये सब क्या है लोकल एरिया नेटवर्क है, तो उसमें जो है ना मोडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। मोडेम जो है आपको देखे होंगे कभी कभी मोडेम का यूज होता है सिम लगाकर, सिम स्लॉट टाइप का रहता है उसमें सिम लगा करके और इंटरनेट चलाने के लिए लैपटॉप वगैरह में, तो इसका यूज नहीं किया जाता, ये इंटरनेट यूज करने के लिए यूज होता है लैपटॉप में, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कि कंप्यूटर के डाटा सीपीयू से अन्य यंत्रों में कैसे मतलब जो है ना भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है कंप्यूटर के पार्ट्स द्वारा, ये पोर्ट्स नहीं पार्ट्स होगा, ठीक। मोडेम जो है इंटरनेट चलाने का यूज होता है, इंटरफेस तो फुल फॉर्म में आता है किसी चीज़ का, बफर मेमोरी इसका यूज नहीं होता है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए डाटा की संचार विधि का कौन सा उपयोग होता है, तो उसमें फुल प्ले यूज होता है, फुल प्ले बोले तो अभी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, तो फुल प्ले विधि यूज होती है, फुल डुप्लेक्स विधि, ठीक। कौन सी विधि, फुल डुप्लेक्स विधि यूज होती है, चारों तरह अगर एक ही साथ कई दिशाओं में डाटा भेजना हो तो ये यूज होती है डी नंबर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लिखा है 54 नंबर क्वेश्चन कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो जो भी छोटे कंप्यूटर होते हैं तो सबसे छोटा क्या होता है माइक्रो, तो माइक्रो जो है सबसे छोटे कंप्यूटर से यूज होते हैं माइक्रो, माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं स्मार्टफोन लैपटॉप टैब ये सब क्या है माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट्स हैं। अगला है उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करता है, मतलब कोई भी हम कंप्यूटर है उसका आउटपुट टेलीफोन से हम भेज दें तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मोडेम, ठीक, उसी को यूज होता है मोडेम उसी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है, मतलब कौन सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज होता है, तो इसमें प्रोटोकॉल होता ही है और लॉगिंग करते ही कुछ चीज़ में आईडी पासवर्ड और आरची उसी का पार्ट है, तो इसका सभी आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला है कौन सर्च इंजन नहीं है, तो आप लोग गूगल को जानते हैं कि सर्च इंजन है, आप तुरंत जो है नहीं पर ना ध्यान जा कर गए तो तुरंत ऑप्शन एग्जाम में पहला वाला टिप हो जाता है, तो अल्टाविस्ट भी है और साइंस डायरेक्ट भी है, तो इसमें नहीं सॉरी साइंस डायरेक्ट नहीं है, ये आर्कूट भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं है पूछा है, तो इसका हो जाएगा आंसर साइंस डायरेक्ट, क्या हो जाएगा साइंस डायरेक्ट इसका सर्च इंजन नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि यहाँ की संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है उसका क्या नाम है, तो WAN उसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए साथियों तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है, इंप्यूटिंग कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग, तो देखिए कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, हम जो भी इनपुट देते हैं उसी के हिसाब से वो आउटपुट देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, नहीं करता है पूछा ही है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 60 नंबर कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है,
हार्डवेयर का उदाहरण कौन नहीं है, माउस नहीं है कि प्रिंटर नहीं है कि मॉनिटर नहीं, तो सब जो जिसको हम टच कर सकते हैं वो सारा हार्डवेयर होता है। तो माउस को टच करते हैं चलाते ही है, मॉनिटर को भी करते हैं, प्रिंटर को भी करते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको टच नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, देख सकते हैं यहाँ पे। 61 नंबर क्वेश्चन, एग्रीमेंट में से कौन सा इंटरनेट संबंधित पद नहीं है, इंटरनेट से रिलेटेड पद नहीं है, ब्राउजर, प्रिंटर, लिंक, सर्च इंजन। तो ब्राउजर, लिंक और सर्च इंजन ये सारे हैं, बस ये प्रिंटर है इसको बिना इंटरनेट के भी चलाया जा सकता है। ठीक, प्रिंटर कंप्यूटर से या किसी मोबाइल से भी कनेक्ट करके आप पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं, तो ये इंटरनेट से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर कह रहा है, 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, हार्ड डिस्क में स्टोरेज होती है, फ्लैश ड्राइव में भी होती है, डीवीडी में भी होती है, तो कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, फ्लैपी डिस्क, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, यानी कोई भी सॉफ्टवेयर क्या करता है, कंप्यूटर का प्रोग्राम्स बनाने में ही यूज होता है। तो 63 का जो है ऑप्शन नंबर आपके बी सही थे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो एक निबल में चार बिट होते हैं, एक निबल में चार बिट होते हैं। ठीक, और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है, तो यह है सुपर कंप्यूटर। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ पे लगा था, कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। पहले से ऑन है तो वो गर्म होगा, चलेगा कोई भी सिस्टम तो गर्म रहेगा, तो गर्म मतलब वार्म, और वार्म और बूटिंग, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी कल पूछे थे आपसे चार बार www का फुल फॉर्म, तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है, WORM। ठीक, ये पांच बार का भी पूछा जाता है। अगला क्रम में इसी चित्र आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो बता दिए नहीं, अच्छा वो अभी तो 66 पे थे। तो चलिए 67 नंबर कह रहा है कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, तो CPU है, मॉनिटर है, CD-ROM है। तो CPU यूनिट का भाग, सिस्टम यूनिट का भाग नहीं है, अच्छा CPU अलग रहता है, ये मॉनिटर, CD-ROM और फ्लैपी डिस्क। तो इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हालांकि ये लगा लीजिए CPU, इसमें सिस्टम यूनिट का भाग है बोला है, अच्छा सही है, सिस्टम यूनिट का भाग है तो CPU होगा। चलिए 68 नंबर कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट और प्रिंटर ड्राइवर और एक्सेल। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या है, ना हार्डवेयर है और ना सॉफ्टवेयर है, कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन पे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है, इनबॉक्स होता है, रिसीवर होता है, सेंडर भी होता है, लेकिन पावर पॉइंट क्या है, MX, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर हैं तो ये अलग टाइप का है। ठीक, तो ईमेल से संबंधित ये तीनों है, सेंडर, रिसीवर और इनबॉक्स। अगला 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है, यानी क्या करते हैं हम, डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ इंटरनेट से, तब ना हमको प्रोसेस मतलब कंप्यूटर से डाटा मिलती है, तो इसका राइट आंसर डाउनलोड हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण से होती हैं, तो ये होती हैं डाटा में प्रवेश में त्रुटि, मतलब कोई भी हम थोड़ा सा मिस्टेक डाटा इंटर कर देंगे तो आउटपुट मिस्टेक ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं आपको बड़ा दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU, जिसको ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन। 1000 अगला क्वेश्चन है कि 1024 बाइट बराबर होता है, 1024 बाइट मिलकर बनता है 1 KB। ठीक, और यही 1024 KB मिलकर के बनता है 1 MB। अगर ये वो 1024 हो जाए, 1024 KB हो जाए, तो इसको मिलकर बनेगा 1 MB, और यही 1024 MB हो जाए
तो ये मिलके बनेगा 1 GB। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, इसको आप लोग जो है ना 2 बार या 3 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती हैं, क्या सारे कंप्यूटरों में लागू होती हैं? बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, फोर्ट्रान भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 10 लाख, क्या है अगला क्वेश्चन, कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती हैं। 10 लाख बाइट्स क्या होती हैं? तो 10 लाख बाइट्स मिलकर के बनता है 1 MB। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पर हुआ? तो सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ पे हुआ? ऑप्शन दिया है चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली, पुणे। तो इसका निर्माण हुआ था पुणे में। कंप्यूटर के विंडो एक प्रकार हैं, क्या है विंडो? क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो विंडो क्या होता है कंप्यूटर का? तो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समस्त संग्रहण उपकरण हैं सिवाय किसको छोड़कर, मतलब संग्रहण मतलब जो है मेमोरी वाला, तो ये प्रिंटर को छोड़ दिया जाए तो सब क्या है उसमें स्टोरेज होती है, तो स्टोरेज को संग्रहण बोला जाता है। अगला है 79 नंबर, कि प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर प्रयोग होते थे किसमें? तो वैक्यूम ट्यूब रे होता था प्रथम पीढ़ी में, दूसरे में ट्रांजिस्टर होता था। प्रथम में वैक्यूम ट्यूब होता था। CDS का आकार कैसा होता है? तो CDS का आकार होता है गोल। ठीक, कोई भी CD कैसेट देखे होंगे तो गोलाकार होता है। अगला है कि सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर को एक अन्य शब्द में क्या बोला जाता है? तो उसको प्रोग्राम बोला जाता है। सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द में क्या बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को? तो प्रोग्राम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम। DTP का पूरा नाम क्या होगा? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का पूरा नाम होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। साथियों जो है इसमें आपसे बहुत बार फुल फॉर्म पूछे जाते हैं। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है कि JDBC, JDBC एक सूचक है किस चीज़ का? JDBC एक सूचक है किस चीज़ का? ऑप्शन दिया है आपके सामने, JDBC एक सूचक है किसका? तो JDBC एक सूचक है आपका जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। किसका? जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी का। अगला है LAN किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क का है। लोकल एरिया नेटवर्क किसमें है? तो इसमें है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का संक्षिप्तम KB का समानता पूर्ण रूप का होता है? तो वो होता है किलोबाइट। क्या होता है? किलोबाइट। KB का फुल फॉर्म किलोबाइट। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, जल्दी जल्दी, थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, क्या कौन सा डाटा रहता है? ये प्रोग्राम किया हुआ डाटा रहता है। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो ये बनाया था जीरोक्स ने। पहला ग्राफिकल इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? तो जीरोक्स ने बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिया है आपका ए नंबर में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एक ऑपरेशनल सिस्टम का। दूसरा नंबर दिया है इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंप्यूटर में हम लोग यूज करते हैं, इसमें टाइपिंग वगैरह करते हैं या कुछ लेटर वगैरह लिखना हो। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोलॉग भाषा विकसित हुई कब विकसित हुई? तो प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1972 में। ब्लॉग शब्द के शब्दों का संयोजन है किससे? तो इसका संयोजन है वेब लॉग। ब्लॉग मतलब वेब लॉग, वेबसाइट पे लॉग। अगला है कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता, तो इसे क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कंप्यूटर के पितामह किसे बोला जाता है? कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बैबेज। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। चलिए अब क्वेश्चन समाप्त हो रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट IC किसकी परत बनी होती है? तो ये बनी होती है आपकी सिलिकॉन की। IC चिप किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का। 96 नंबर का रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर के किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें
किया जाता है बेस दो वाले जो होते हैं 0 और 1, बेस दो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आप लोग 12th में, तो द्विआधारी अंक पद्धति का यूज किया जाता है क्योंकि दो ही अंक यूज होते हैं इसमें 0 और 1। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है, इसमें किया जाता है कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। अगला है फोर्ट्रान, अलगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो इसको बेसिक भाषा, बेसिक मतलब बेसिक भाषा जो होती है ना उसको पत्थर का नींव कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत रेलवे के अंतर्गत प्रथम कंप्यूटरकृत आरक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। प्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण यानी कंप्यूटर से टिकट काटने वगैरह वाला सिस्टम नई दिल्ली से आरंभ हुआ था। और सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किया जाता है कौन सा, तो सब प्रयोग किए जाते हैं, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड सारे यूज किए जाते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि भारत का पहला जो है ना सुपर कंप्यूटर कौन सा है। चलिए साथियों मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ, मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करिए, मन लगाइए।